वेली गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों बात कर रही हूँ मैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट से जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो दोस्तों खतरों के खिलाड़ी 14 में आ गए एक न्यू प्रोमो जिसमें निर्मित हो जाती है इमोशनल, यानी कि जहाँ एक तविधा दिखाते हैं कि सेमीफिनाले का चल रहा है मौका और सभी के फैमिली फ्रेंड्स करते हैं मोटिवेट अपने अपने कंटेस्टेंट को, यानी कि अपने अपने खिलाड़ी को मोटिवेट करते हैं। लेकिन इधर निर्मित के पास आता है उसकी फ्रेंड सुम्बुल तौकीर खान का मैसेज, यानी कि द वीडियो कॉल आता है और बोलती है कि मुझे पता है कि तू कितनी स्ट्रांग है और तू चाहती थी ना कोई एक लड़की जीते इस सीजन और तू बोल के गई थी, तो मैं देख रही हूँ तेरे को, तू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसे ही परफॉर्म करते रहे और सभी को प्राउड फील करवाते रहे। वही इस बात से निमृत बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। इस बात देख के कंटेस्टेंट को भी इमोशन फील होता है। लेकिन उसी के बाद आता है करण वाही का कॉल, यानी कि वीडियो कॉल, जिसमें वो ऐसी बातें बताती है जिससे रोहित शेट्टी हैरान हो जाते हैं और लोटपोट होके हंसने लग जाते हैं। यानी कि इधर करण भाई बोलते हैं कि सबको गैलेक्सी मत समझ, और गैलेक्सी यानी कि फिर रोहित शेट्टी पूछते हैं कि आखिर गैलेक्सी का राज क्या, सलमान खान वाली गैलेक्सी? तो बोलते हैं हाँ, एक दिन मैं ऐसा किया था कि उनके घर के उधर जोर जोर से हॉर्न बजा के गया अंदर अंदर और गेट खोल दिया था। इस बात से मेरे को बहुत ज्यादा हंसी आने लग गई और मैं यूटर्न लेके वापिस आ गया। इस बात से रोहित शेट्टी हंस हंस के लोटपोट हो गए, सारे कंटेस्टेंट हंसने लग गए और निमृत का दुख भी भाग गया। तो दोस्तों देखने में इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार कौन होगा सेफ और कौन लौटेगा इंडिया सेमीफिनाले के रेस से बाहर होके। सो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा और आगे के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहिएगा। और दोस्तों मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया हेल्थ बंदा मैजिक करके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जब तक लिए थैंक यू।